गुड मॉर्निंग फ्रेंड एवरीवन। दोस्तों मैं आज आपके बीच में एक अहम तरीन टॉपिक पुलिस एक्ट लेकर आया हूं। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश एपीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मुफीद है। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश एपीओ में हाल ही में नोटिफिकेशन निकली हुई है और फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, अभी तक आप अप्लाई नहीं किए तो फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों ये हमें आप लोगों के बीच में एपीओ का एमसीक्यू, उसके बाद में मेंस का पूरा जो है टॉपिक, जो अहम तरीन टॉपिक होगा मैं चर्चा करूंगा। आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नहीं बने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं नेक्स्ट जो है पूरा मैं आप लोग के बीच में पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन दोनों चर्चा करूँगा, उसके बाद में मैं लॉ ऑफ एविडेंस चर्चा करूँगा, उसके बाद में मैं CRPC, उसके बाद में मैं IPC ये चर्चा करूँगा। दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो चैनल है शेयर करें लोगों के बीच में, और ताकि सभी लोगों को मुफीद हो। ओके, अब मैं नेक्स्ट जो है पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 प्रवृत्ति होने की तिथि क्या थी, यानी 2001 में तिथि क्या थी। तो इसका ऑप्शन सी है, अब 10 अगस्त 2001 पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 की प्रवृत्ति होने की तिथि 10 अगस्त 2001। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरा क्या रखें हम, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1949 कब लागू किए गए थे, यानी 1949 जो है कब लागू किए गए थे। तो इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 1949, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत संपत्ति यानी प्रॉपर्टी शब्द में सम्मिलित नहीं है, तो क्या नहीं सम्मिलित है, तो मनी यानी धन सम्मिलित है, चल संपत्ति सम्मिलित है, और उसके बाद मूल्यवान प्रतिभूति सम्मिलित है, अचल संपत्ति जो है सम्मिलित नहीं है। संपत्ति शब्द में अचल संपत्ति जो है सम्मिलित नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 1 निर्वचन खंड के अंतर्गत संपत्ति शब्द के अंतर्गत कोई जंगम संपत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति आती है, जबकि अचल संपत्ति नहीं आती है। ओके, अचल संपत्ति अगर आ जाए तो आप अचल संपत्ति टिक लगाइएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पुलिस अधिनियम 1861 के मावेशी शब्द के अंतर्गत जो है अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, यानी मावेशी शब्द में कौन सा शामिल नहीं है। कुत्ता शामिल है, भेड़ शामिल है, बकरी शामिल है, यानी पुलिस अधिनियम 1861 मावेशी शब्द के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है, यानी शामिल नहीं है। तो उपरोक्त में से जो है कुत्ता, भेड़, बकरी और उपरोक्त में से सभी, तो मावेशी में जो है कुत्ता शामिल नहीं है, बकरी भेड़ सब आती, यानी 1861 के अंदर ये धारा के अंदर मावेशी शब्द के अंतर्गत कुत्ता शामिल नहीं, जबकि बकरी भेड़ एवं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पुलिस अधिनियम किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल सदस्यों को सेवा शर्त विनियम हेतु नियम के बनाने के लिए सशक्त है, यानी पुलिस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमन हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है, तो धारा 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, यानी धारा 2 में क्या कहता है। धारा 2 के अनुसार राज्य सरकार बल के सदस्यों को सेवा शर्तों को विनियम हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है। क्वेश्चन नंबर 6 है पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, तो क्या शब्द सम्मिलित हैं देखते हैं, भर्ती किए गए हों, प्रशिक्षित किए गए हों, नियुक्त किए गए हों, चयनित किए गए हों। तो याद रखने की जरूरत है कि भर्ती किए गए हों, किसे याद रखने की जरूरत है कि भर्ती किए गए होंगे। ओके, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 में बल के गठन के लिए उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार
के अधीन समस्त पुलिस स्थापना जो पुलिस बल समझा जाएगा और रीतियों भर्ती किया जाएगा, उनकी जो रीतियाँ मेथड होगा भर्ती किया जाएगा, वो अधिकारियों और पुलिसजन की संख्या से मिलकर बनेगी, अधिकारियों और पुलिसजन की संख्या से मिलकर बनेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो धारा 7 ए है जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई से संबंधित, किससे संबंधित है, डिपार्टमेंटल कार्रवाई यानी विभागीय कार्रवाई से। पुलिस अधिनियम धारा 7 विभागीय कार्रवाई करने के सकते, पुलिस महानिरीक्षक कौन से कार्रवाई करने के सकते, तो पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक और जिलाधीक्षक गढ़ को दी गई, यानी विभागीय कार्रवाई कौन कर सकता है, तो DGP, IG, असिस्टेंट IG और SSP कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आठ, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत जो है, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक विधायी शक्तियाँ के अधीन है, किस विधायी शक्तियाँ के अधीन है, तो संविधान के जो है धारा, संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत उनको जो है प्रोटेक्शन प्राप्त है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की विधायी शक्तियाँ भारत के संविधान अनुच्छेद 311 के अधीन है। अब क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है पुलिस अधिनियम 1861 के प्रावधानों के अधीन व्यक्त शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है, तो व्यक्त में जो है कौन कौन आते हैं, तो कंपनी, निगम अथवा वेस्ट केवल कंपनी अथवा एक फर्म, व्यक्तियों का संगठन कंपनी, और उसके बाद में डी क्या कह रहा है कि व्यक्त संघ और फर्म केवल कंपनी, यानी धारा, इसका जो सही उत्तर है बी है, यानी व्यक्त धारा 1 के अनुसार व्यक्त शब्द के अंतर्गत कंपनी, संगम या निगम आता है। ओके, और उसके बाद में मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ 10, पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित में किस संपत्ति से रेल के आसपास अतिरिक्त बल का नियुक्त कर सकता है, यानी पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित में जो है किसके संपत्ति से रेल के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्त कर सकता है, तो ए है राज्य सरकार। ओके, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 14 के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक राज्य सरकार की सम्मति से रेल के आसपास अतिरिक्त बल क्या है नियुक्त कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, रेल यानी रेल लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम में दिया गया है, जो कहा दिया गया है अध्याय 14 में दिया गया है, सॉरी पुलिस अधिनियम धारा 14 में दिया गया, धारा 14 में दिया गया है रेल और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम में कहा दिया गया है, तो धारा 14 में दिया गया है, किसके अनुमति से आसपास लगाया जाए, तो राज्य सरकार की अनुमति से लगाया जाएगा, ये धारा 14 में के जो है ये बातें बताई गई हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, पुलिस अधिनियम की धारा 15(3) जो विक्षुब्ध या संकट पूर्ण क्षेत्रों से संबंधित के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च निम्न किसके द्वारा वहन किया जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 है, पुलिस अधिनियम की धारा 15(3) जो विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र से संबंधित है के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च निम्न से किसके द्वारा वहन किया जाएगा, तो उसके जो क्षेत्रियों के निवासियों द्वारा, यानी जो है अगर कोई संकट हो रहा है, कोई विक्षुब्ध हो रहा है, तो वहाँ के जो रहने वाले जो निवासी होंगे उनके द्वारा पुलिस का जो व्यय है उनके द्वारा ही खर्च किया जाएगा उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा। अब उसका उत्तर ए सही है, यानी धारा जो है 15(3) के अनुसार पुलिस अधिनियम 1861 धारा 15(3) के अनुसार जो विक्षुब्ध है, कोई भी विक्षुब्ध है या उसके पास संकट है या पूर्ण क्षेत्र संबंधित है या पूरे क्षेत्र संबंधित है, जिसके अंतर्गत जो है अतिरिक्त पुलिस का बल का खर्चा उद्घोषणा पूरे क्षेत्रों के निवासियों द्वारा वहन किया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, पुलिस अधिनियम किस धारा के अंतर्गत किसी जिले विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल का उपलब्ध कराया जा सकता है, यानी पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल का उपलब्ध कराया जा सकता है, तो धारा कहाँ कराया, 15 के सबसेक्शन 3 में। ओके, 15 धारा 15 में कराएगा। ओके, अब बात करते हैं कि 15 क्या कहता है,
15 देखते हैं, यानी पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत किसी जिले में विशेष परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल का उपलब्ध कराया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की है कि एक जिले में क्या नाम है, कोई बड़ा मेला लगता है या कोई बड़ा आयोजन होता है, तो आसपास के जो मंडलों के जो पुलिस होते हैं उनको कॉल कर लिया जाता है। तो इसका पावर जो है धारा 15 में होता है। कहाँ धार पर? धारा 15 में होता है। या मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री या देश का कोई बड़े जो है मुख्यमंत्री या कोई विशिष्ट आयोजन होता है, तो आसपास जिले के जो पुलिस को बुलाया जाता है उनके सुरक्षा के लिए, तो ये कहाँ से बल दिया गया है, ये धारा 15 में दिया गया है। अब बात करते हैं पुलिस अधिनियम 1871 के निम्नलिखित में किस धारा में विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान किया गया है। स्पेशल जो है विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान किया गया है, कहाँ किया गया है, तो धारा जो है 14 में जो है क्वेश्चन नंबर 14 पुलिस अधिनियम 1871 की निम्नलिखित किस धारा में विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान किया गया है, तो उसका उत्तर है धारा 17 स्पेशल जो है पुलिस के बारे में कहा है। धारा 17 पुलिस अधिनियम की धारा 17 में विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान किया गया है, जबकि धारा 16 जो है और उसके बाद में 13, 14, 15 और 15A के अधीन संदेह धन की वसूली और वसूल होने पर उनका व्यय, धारा 14 में रेल और अन्यकर्मियों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति, धारा 15 में विक्षुब्ध संकटपुर जिले में अतिरिक्त पुलिस रखने से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पुलिस अधिनियम 1867 के निम्न कौन सी धारा विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है। यानी पुलिस अधिनियम 1867 निम्नांकित में कौन सी धारा विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है, तो धारा 18 क्या है, यानी निम्नांकित कौन सा धारा विशिष्ट पुलिस अधिकारियों से शक्तियों से संबंधित, धारा 18 में है। 18 रीड करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। जो है पुलिस अधिनियम की 1867 के धारा 18 में विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है, जबकि धारा 17 में विशेष पुलिस अधिकारी से है, धारा 19 में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करना, धारा 20 में पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्राधिकार से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, तो कहाँ की जा सकती है, तो पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। कहाँ? पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 में विशेष पुलिस अधिकारी के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति निरीक्षक से अन्य पक्ष के किसी भी अधिकारी के आवेदन पर निकटतम मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकती है। अब बात करते हैं धारा 17। धारा 17 में जो है पुलिस अधिनियम 1871 निम्न में से किस धारा में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी सदियों कर्तव्य पर रहता है और उस पर जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। तो यानी एक पुलिस अधिकारी हमेशा के लिए वो ड्यूटी पर होता है, यानी धारा जो है 22 में है, 24 घंटा ड्यूटी करता है, किसी भी समय उसे जो है कॉल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारी जो है तो जो है आराम करने के लिए या सोने के लिए उनके लिए छुट्टी दी जाती है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये माना जाता है कि पुलिस अधिकारी हफ्ता जो है हमेशा के लिए 24 घंटे के लिए हमेशा बने रहते हैं, ये कहा दिया गया, धारा 22 में दिया गया है। अब बात करते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यानी बात कह रहा है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 22 में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी सदियों कर्तव्य रहता है और उस जिले में कहीं भी तैनाती किया जा सकता है, जबकि धारा 20 पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्राधिकारियों, धारा 21 ग्राम पुलिस अधिकारी और धारा 23 है पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की जो है, जब ये प्रतीत होता हो कि क्या है, जब ये अपीयरेंस होता हो कि विधि विरुद्ध जमा बलवा या शांति भंग हुई हो तथा पुलिस शांति के लिए परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है, तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। किससे नियुक्त किए जा सकते हैं, उत्तर देखते हैं दोस्तों। जो है ए है निरीक्षक से, जो है निरीक्षक पंक्त से निम्न पंक्त के किसी भी पुलिस निरीक्षक अधिकारी के जो है जो निरीक्षक जो है निरीक्षक जो है जो रैंक से जो कोई भी नीचे हो उसे किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। बी कहता है संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा। सी कह रहा है रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा। और डी कह रहा है परिक्षेत्र के जो है पुलिस महानिरीक्षक द्वारा। तो सही उत्तर इसका जो है ए है, क्या है, निरीक्षक के
पक्त से निम्न पक्त के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। ओके, अब बात करते हैं जो है यानी पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 21 के अनुसार जब ये प्रतीत होता हो कोई भी विद्रोह जमाव या बलवा या शांत भंग हुई हो तथा पुलिस बल शांति के परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है तो विशेष पुलिस अधिकारी निरीक्षक पक्ष से निम्न पक्त का कोई भी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। ओके, ये 21 में बताया गया है। 19 क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम के किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का प्रावधान किया गया है, क्यों कहाँ बताया गया है, धारा 23 में बताया गया है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है यानी पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 में पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी के बारे में प्रावधान है, जबकि धारा 21 में ग्राम पुलिस अधिकारी बताया गया है। धारा 22 में पुलिस अधिकारियों को सदियों कर्तव्य रूढ़ होने के जिले में किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकते हैं। धारा 24 में पुलिस अधिकारी की इतला इत्यादि कर सकेंगे संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी जिले के किसी भी भाग में नियोजित कार्य किए जा सकते हैं, तो धारा 22 में है। ओके, धारा 22 में है यानी धारा 22 में पुलिस अधिकारी को जिले के किसी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे बारे में प्रावधान किया गया, जबकि धारा 20 में पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्राधिकार। धारा 21 में ग्राम पुलिस अधिकारी, धारा 23 में पुलिस अधिकारी के ड्यूटी से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 21, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अधीन अदावकृत या लवारिस संपत्ति से भाषादन का चार्ज लगेगा, क्या लगेगा, तो डी लगेगा पुलिस जिला मजिस्ट्रेट यानी प्रत्येक पुलिस अधिकारी। धारा 23 के तहत जो है यानी पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वो सब बिना दाव वाली संपत्ति के अपने भार साधन में ले ले और उसकी तालिका जिला मजिस्ट्रेट को दे दे। ये कहाँ बताया गया, धारा 25 में बताया गया है। पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसका स्वामी ज्ञात नहीं है, अपने कब्जे में लेगा परंतु उसका व्यंश के संबंध में उससे निम्न से किस अधिकारियों को आदेश के मार्गदर्शन के कार्य करना होगा। यानी कि क्या कह रहा है कि जिस पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसका स्वामी ज्ञात नहीं है, अपने कब्जे में लेगा परंतु उसका व्यंश के संबंध में निम्न से किसी अधिकारी को आदेश के मार्गदर्शन में कर सकेगा, तो कहाँ बताया गया, सी जिला मजिस्ट्रेट को। ओके, यानी कि धारा 25 उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सब बिना या दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में ले ले और उसकी तालिका जिला मजिस्ट्रेट को दे दे। पुलिस अधिकारी ऐसे संपत्ति के बयान के विषय में आदेश का मार्गदर्शन लेकर कार्य करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किससे किस विनिश्चय में ये प्रतिपादन किया गया है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के अंतर्गत दोषित किए गए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जा सकती है। यानी किस केस में ये कहा गया कि 1861 की धारा 29 के अंतर्गत दोषित किए गए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच भी की जा सकती है, तो उत्तर है इसका बी, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिश्चंद्र। इस केस में कहा गया उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिश्चंद्र। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिश्चंद्र सिंह 1969 के वाद में यह प्रतिपादन किया गया है कि पुलिस अधिनियम 1861 के धारा 29 के अंतर्गत दोषित किए गए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की जा सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 24, त्यौहारों के अवसर पर मार्ग में संगीत की धुन कितनी तेज हो, इस विनियम करने के जिला पुलिस अधीक्षक की शांत का उपन अधिनियम की धारा में दिया गया है 15 का के खंड 4 में, कि धारा 27 के खंड 2 में, धारा 30 के खंड 4 में, कि धारा 15 के खंड 3 में। तो सही उत्तर इसका है सी है, धारा 30 के खंड 4 में। यानी पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30(4) के अनुसार पुलिस का जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक त्यौहारों और समारोह के अवसर पर मार्गों में कितना संगीत हो उसका क्या है, रेगुलेट कर सकते हैं, विनियमित कर सकते हैं। अब बात करते हैं 25, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियम और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान है, पुलिस अधिनियम में कहाँ दिया गया है, तो पुलिस अधिनियम के धारा 30 में दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं धारा 30 के अंतर्गत सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान किया गया है, जबकि धारा 25
पुलिस अधिकारी बिना दावा वाली संपत्तियों को अपने बाहर साधन में ले सकेगा और इसका बयान के बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होंगे। धारा 28 के अधीन पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाणपत्र इत्यादि प्रदान करने से इनकार करने वाले व्यक्ति धारा 32 ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाल सकेंगे और ऐसे आदेशों के योग्य के लिए शासन से संबंधित हैं। अब बात करते हैं धारा 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पुलिस जुलूसों को नियंत्रित और विनियमित कर सकती है, ये भी सही है। पुलिस को लोकहित में जुलूस को निषिद्ध करने तथा अनप्रतिबंधित करने का आदेश निर्गत करने की शक्ति, ये भी सही है। जो सार्वजनिक सभाओं को संयोजित करने से करते हैं उन्हें पुलिस अधीक्षक से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। डी कहता है कि सार्वजनिक सभाओं को जुलूसों को संचालित करने हो तो पुलिस द्वारा शर्तों निर्धारित कर सकती है। कौन सा कथन सही नहीं, पुलिस को लोकहित में जुलूस को प्रोबेटेड करने अन्यथा उस पर प्रतिबंध करने का आदेश को निर्गत जो है कर सकने का शक्ति प्राप्त है, तो ये सही नहीं। और बाकी सब पुलिस जुलूसों को नियंत्रित जो है कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकती है, उसे सार्वजनिक सभाओं को सुनियोजित करते हैं और पुलिस अधीक्षक से अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवश्यकता हो सकती है। सार्वजनिक सभाओं तथा जुलूसों को संचालित करने हेतु पुलिस अफसरों को निर्धारित कर सकती है, तो उस तरह भी सही नहीं है। ओके, यानी पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अंतर्गत पुलिस को लोकहित में जुलूस को निषिद्ध करने एवं अन्यथा उसे प्रतिबंधित करने का आदेश निर्गत करने की सख्त नहीं है, जबकि अन्यथा विकल्प सही है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सूची फर्स्ट सूची सेकंड सही सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोटों को सहायता से उत्तर दीजिए। पुलिस अधिकारी प्रमाणपत्र के अभ्यर्थ धारा 21 और उसके बाद में क्या, रेलवे कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल आइए भी नहीं मिलता। ग्राम पुलिस अधिकारी 30 लोग जमाओ जुलूसों को विनियमन करना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर इसका बी है, यानी 2, 4, 1, 3, यानी पुलिस अधिकारी का जो है प्रमाण पत्र के अध्यापन कहाँ बताया गया है, पुलिस अधिकारी को जो प्रमाण पत्र के बारे में कहाँ बताया गया, धारा 8 में बताया गया है सरेंडर का। रेल या कर्मी के बारे में जो है अतिरिक्त पुलिस बल के बारे में धारा 14 में बताया गया है। ग्राम पुलिस के बारे में धारा 21 में बताया गया है। लोग जमा जुलूस के विनियमन रेगुलेट करने के लिए धारा 30 में बताया गया, कहाँ बताया गया है, धारा 30 में बताया गया है। क्या एक ऐसे व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेने विधि सम्मत होगा जो किसी मार्ग या गली में गंदगी मैला कूड़ा या करकट या कोई पत्थर फेंकता है या छोड़ देता है, तो जिसके जनसाधारण को असुविधा या क्षोभ होता हो, तो क्या कर देगा, हाँ वारंट के बिना क्या गिरफ्तार कर सकेगा, क्या कर सकेगा, हाँ वारंट के बिना भी। यानी पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 के सबसेक्शन 5 के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है जो किसी मार्ग या गली में गंदगी मैला कूड़ा करकट या कोई पत्थर फेंकता है या छोड़ देता है जिसे जनसाधारण को असुविधा या क्षोभ होता हो। अब बात करते हैं सेक्शन 29 क्वेश्चन नंबर 29। पुलिस अधिनियम निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में समान डायरी से संबंधित उपन दिए गए हैं, जो कहाँ दिए गए हैं, धारा 44 में जनरल डायरी के बारे में बात कही गई है, तो सीआरपीसी में कहा गया है, कहाँ है, 172 में है। ओके, और यहाँ कहाँ है, धारा 44 में। अब देखते हैं क्या है, यानी पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 समान डायरी से संबंधित प्रावधान किए गए, जबकि धारा 43 में अभिवचन कार वारंट के अधीन किया गया है। धारा 45 राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर, और धारा 46 में अधिनियम को प्रधिक से संबंधित है। अब बात करते हैं 30, निम्न से किस को जनरल डायरी से लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं है, तो रोकड़ पावती संहिता ये नहीं जरूरत है और सभी जरूरत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का अंतर्विष्ट करना, पुलिस अधिकारी को ड्यूटी पर जो है प्रस्थान और ड्यूटी को वापसी और पूरे थाने में पर हुई गिरफ्तारियाँ। ओके, यानी पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 के अंतर्गत जनरल डायरी में रोकड़ की पावतियाँ तथा समितरण लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं है, जबकि प्रथम सूचना में अंतर्विष्ट में ब्यौरा पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी प्रस्थान और ड्यूटी पर वापसी पूरे थाने पर हुई गिरफ्तारियाँ लेखबद्ध करना आवश्यक है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से पुलिस अधिकारी की ड्यूटी नहीं है, तो कौन सा पुलिस अधिकारी की ड्यूटी नहीं है, किसी सक्षम प्राधिकारी से निर्गत समस्त आदेशों का आज्ञा पालन करना। अब ड्यूटी की बात है, किसकी ड्यूटी नहीं है,
इससे संबंधित जो बताया गया है तो कहाँ बताया गया, तो समस्त अदावाकर्ती संपत्ति के अपने प्रभारों में लेना तथा जैसे परिस्थिति उचित हो उस संपत्ति का निपटारा करना है। इसका उत्तर जो है जी सही है, यानी क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार समस्त अदावाकृत संपत्ति के अपने प्रभार में लेना तथा जैसे परिस्थितियों में उचित हो उस संपत्ति का निपटारा करना पुलिस अधिकारी की ड्यूटी में नहीं जबकि अन्य सभी पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है। अब बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 32, पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होंगे जबकि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी की इस आशीष को लिखित सूचना क्या होगा, तो सी है 2 माह के अन्यून अवधि के लिए ना दे। यानी कि जो है कहता क्या है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 9 के अनुसार पुलिस अधिकारी बिना जिला अधीक्षक की इजाज़त के ये 2 माह की सूचना बिना पद त्याग नहीं करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में कौन लोग दस्तावेज है, तो कौन लोग दस्तावेज है, मतदाता सूची, पुलिस डायरी, जन प्रक्रिया 1754 के अंतर्गत सूचना रिपोर्ट, और उसके बाद में जो है उपरोक्त में सभी, तो लोग डॉक्यूमेंट तो सबिडेंस में जो है बताए गए हैं 74 के अनुसार मतदाता सूची, पुलिस डायरी, जन प्रक्रिया 1754 के अंतर्गत रिपोर्ट, ये लोग सब लोग दस्तावेज हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 34 जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, तो कौन सम्मिलित है, उप जिला अधीक्षक, कौन सम्मिलित है, उप जिला अधीक्षक, ठीक है। यानी धारा 1861 पुलिस अधिनियम के धारा 1 के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत उप जिला अधीक्षक सम्मिलित है। ओके, अब बात करते हैं पुलिस अधिनियम 1861 निम्नलिखित धाराओं में से कौन से धारा निराश्रित नहीं है, तो कौन सा धारा नहीं है, धारा 44 नहीं है, 6 रिपील है, 41 रिपील है, 11 रिपील है, ठीक है। आपको याद रखना है ये UPO X 2002 में पूछा गया है, तो इसे याद रखना है कौन सा नहीं है, धारा 6, 41, 11 जो है ये क्या रिपील है। ओके, अब बात करते हैं पुलिस अधिनियम 1861 कौन सी धारा निरस्त नहीं है, तो क्या है, निराश्रित नहीं है, तो धारा 37 निराश्रित नहीं है, 38 भी निराश्रित है, 49 भी निराश्रित है, 40 भी निराश्रित है, आपको याद रखना चाहिए। ओके, 38, 49, 40 यानी 37 निराश्रित नहीं की गई जबकि 38 से 41 तक, कितना 38 से 38, 49, 40, 41 तक जो है धाराएँ जो है रिपील्ड कर दी गई हैं। ओके, लोग जमाओं और जुलूसों को लोग सड़क की गलियों या मार्गों को संचालित करने में से कौन सा आदेश दे सकता है, तो ये दे सकता पुलिस अधीक्षक यानी SSP। क्या कह रहा है जो है उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 के अनुसार पुलिस का जिलाधीक्षक या सहायक जिलाधीक्षक लोग जमाओं जुलूसों को लोग सड़कों गलियों या मार्गों को संचालन के लिए आदेश दे सकता है। अब दोस्तों ये आता है संभावित प्रश्न, इसके बारे में हम कल बताएंगे। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।